अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4 में वो है अंडरस्टैंडिंग 4 अफेक्टिव डिज़ाइन कॉन्सेप्ट। डेफिनेटली हमारे पास क्लासरूम है, क्लासरूम में हमारे पास मटेरियल है, फर्नीचर है, स्पेस है और हमने उसे अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है उसके लिए हमारे पास कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स मौजूद हैं जो कि बच्चों की लिटरेसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर हम उन्हें अपने सामने रखें तो वो उनको सपोर्ट भी कर सकते हैं और वो उनको सपोर्ट नहीं भी कर सकते। तो हमारे पास 4 कॉन्सेप्ट हैं। पहले हम ये देखेंगे वो क्या 4 कॉन्सेप्ट हैं जो बच्चों की लिटरेसी डेवलपमेंट को आया सपोर्ट करते हैं या इनकी वजह से बच्चों की लिटरेसी डेवलपमेंट क्लास में कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। कॉन्सेप्ट नंबर 1, अवेलेबिलिटी और एब्सेंस ऑफ एड्स। क्लासरूम में उन चीज़ों का अवेलेबल होना या ना होना जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं कि वो उन्हें एक्सप्लोर करें। कॉन्सेप्ट नंबर 2, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेस एंड प्लेसमेंट ऑफ लिटरेसी टूल देयर इन। किस तरीके से हमने उन चीज़ों को क्लास में अरेंज किया हुआ है, ऑर्गेनाइज किया हुआ है। कॉन्सेप्ट नंबर 3, सोशल इंटरेक्शन ड्यूरिंग द मैनिपुलेशन ऑफ लिटरेसी टूल्स। जब बच्चों को हम लिटरेसी टूल्स देते हैं, बच्चे उनसे खेलते हैं तो क्या वो बाकी बच्चों के साथ भी खेल रहे होते हैं, उनका टीचर के साथ और बाकी स्टूडेंट के साथ क्या सोशल इंटरेक्शन होता है, वो बच्चों की लिटरेसी लर्निंग को इन्फ्लुएंस करता है। और नंबर 4, द जेन्युइननेस ऑफ कॉन्टेक्स्ट इनटू विच लिटरेसी टूल्स आर प्लेस्ड। तो ये क्या है, इनको हम 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो अभी आपने पढ़ा है कि ये कॉन्सेप्ट है, इन कॉन्सेप्ट को हम 4 ईजी वर्ड्स के अंदर डिफाइन करते हैं। सबसे पहले आता है प्रोविजनिंग, नंबर 2 अरेंजिंग, number 3 interacting and number 4 authenticating. So let's start up with the provisioning जो कि है concept number 1। और क्या था ये, the children literacy learning influenced by availability or absence of literacy material और literacy aids। Definitely ये हम देख रहे होते हैं कि जब बच्चे घर में होते हैं वो already बहुत से literacy material से एक्सपोज हो चुके होते हैं। मिसाल के तौर पे घर में अखबारात आते हैं, घर में आपके पास नोट पैड्स होते हैं, घर में आपने कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए या कोई दूध वाला है या अखबार वाला है तो आपने उनके रखी होती हैं, रसीदें रखी होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें इन अ वे और अनदर किसी ना किसी तरीके से लिटरेसी एड्स हैं। अनकन्वेंशनली क्या हो सकती हैं, एडवर्टिजमेंट आते हैं हमारे घर में, फ्लायर्स आते हैं, आपके घर में स्क्रैप्स होते हैं जिसके ऊपर मैसेजेस लिखे होते हैं, फ़ोन नंबर लिखे होते हैं, रिमाइंडर्स लिखे होते हैं। तो बच्चे ऑलरेडी इन चीज़ों से किसी न किसी हद तक अवेयर होते हैं। रिसर्च हमें ये बताती है कि जो हमारी लिटरेसी मटेरियल क्लासरूम के अंदर मौजूद होता है वो बच्चों की लर्निंग में, उनकी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग स्किल में बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। और ये तमाम के तमाम प्रॉप्स जो है वो बच्चों को हेल्प आउट करते हैं अपनी ये 4 मेजर एरियाज़ को डेवलप करने में। जब बच्चे खेल रहे होते हैं अपने रिसोर्स एरिया के अंदर और अगर वहाँ पर रिसोर्स मौजूद ना हों तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा अलमिया है बच्चों के लिए कि वो लिटरेसी बिहेवियर उसको शो कर सकें या उसमें इंगेज हो सकें। इसका मतलब है क्लासरूम में मटेरियल का होना बहुत ज़रूरी है, वैरायटी ऑफ मटेरियल का होना बहुत ज़रूरी है। सो हम ऐसे इन्वायरमेंट को कहते हैं कि ये वो इन्वायरमेंट है क्लासरूम का जिसके अंदर उसकी सेटिंग में चीज़ों की कमी है, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, वैरायटीज़ की कमी है, जिसकी वजह से बच्चे वो कैलेंडर्स नहीं है कि उसको यूज़ कर सकें, पेपर्स नहीं है कि वो एक दूसरे को मैसेजेस कर सकें, प्रॉम्प्ट्स नहीं है जिसको वो समझ सकें। तो इस मटेरियल का वहाँ पे मौजूद होना, क्लासरूम का एनरिच होना बेहद ज़रूरी है ताकि बच्चे वो रीडिंग और वो राइटिंग स्किल्स को शो कर सकें, चाहे वो आर्टिफिशियली या प्रिटेंडली ही शो करें, जो आपको ज़रूरत है इन बच्चों को कि वो अगली क्लासेस में इनको डेवलप करें।